आज पूरे देश में विकास के नाम पर कंपनियां खोली जा रही हैं, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, लेकिन देश के विकास के लिए लोगों के हितों को नहीं देखा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आए दिन देखने को मिलती है और इन कंपनियों में लगातार लोगों को दबाव डालकर उनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती खंभा गाड़ना, उससे विद्युत पोल ले जाना, उसमें 33 KV का विद्युत तार बिछाना, ये सब चीज़ चल रहा है। इस तार के जाने की वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही, जिसका विरोध हुए कलेक्ट्रेट और जिले के अधिकारियों के पास कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। नवदुर्गा कंपनी को 33 KV का लाइट जा रही है, जो घर से जुड़े हुए ज़मीन जिसमें हम लोग ज़मीन मतलब रोड के लिए दिए हैं, तो उसी में मतलब जा रही है रोड के लगभग किनारे सट के, और इसमें 18-20 किसान का ज़मीन पड़ रहा है। कितना पोल गड़ रहा है नवदुर्गा से सब स्टेशन? लगभग आपका 40 पोल हो जाएगा। मैं सरपंच के साथ खुद जाके उसको विरोध किए थे, तो विरोध करने के बाद बंद किया था और अभी फिर काम शुरुआत किया है। उसमें न किसान का मंजूरी है, न ग्राम सभा का प्रस्ताव पास है, न ग्राम पंचायत का प्रस्ताव है। 20-25 लड़के आकर ठेकेदार द्वारा जबरदस्ती खंभा गड़ाए जा रहे हैं। 1100 KV का जो वायर गया है, तो उसमें एक दो घटना बाजार में एक घटना हुआ जिसमें वहीं ख़त्म हो गया खलासी। मैं चाहता हूं कि वीडियो देखने वाले समस्त दर्शक यहां के GI ग्रामीण इनको फ़ोन करें और दबाव डालें कि ये मेन रोड पर रोड को क्रॉसिंग करते हुए बाजार से होते हुए इस प्रकार जो तार लिया जा रहा है उसको रोकथाम करें और कहीं अन्यत्र से इसको ले जाएं। जिसके लिए बलराम साहू का नंबर है 94-24-16-53-94, इस नंबर पर फ़ोन करें और उन्हें दबाव डालें ताकि वे इस प्रकार की समस्या को देखें और एक उचित कार्रवाई करें। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।